Let us continue with our English, and today we will do with one poem that is in your first lesson, that is the squirrel. एक स्क्विरल के बारे में बात करेंगे. बहुत ही यू नो यूनिक सा एनिमल है ये स्क्विरल. हु रिमेन ऑन ट्रीज, हु रन्स वेरी फास्ट, हु इज हैविंग टेल ऑफ टेल विच लुक्स लाइक क्वेश्चन मार्क, राइट, एंड ईट्स नट्स वेरी ब्यूटीफुली, राइट. कभी भी आप स्क्विरल को देखें खाते हुए तो वो बहुत ब्यूटीफुली वो मतलब अपने दांतों से नट्स को तोड़ता है, राइट. वो भी मतलब इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, ओके. एंड देन टॉकिंग अबाउट उसका कलर, तो उसका कलर हल्का सा ग्रेश कलर सा होता है, विच लुक्स लाइक यू नो ट्रीज पर ही रहते हैं और उसी तरह का उनका कलर भी होता है, राइट. एंड जैसे एंड दे आर यू नो वेरी एक्टिव एनिमल. स्क्विरल जो होती है वो बहुत ही एक्टिव एनिमल होता है. लाइक इट अगर उसको लगे कि कोई भी उसके पास आ रहा है तो वो इमीडिएटली इट विल स्टार्ट रनिंग, राइट. इट्स वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम. लेट अस रीड व्हाट इट इज. यू मे हैव सीन द स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट. व्हाट डिड इट लुक लाइक? हियर इज A poet's description of just such a squirrel. तो एक जैसे वो स्क्विरल ग्राउंड पे बैठ कर ट्री के नीचे बैठ कर वो नट्स तोड़ कर खाती है, तो उसी के बारे में poem लिखी गई है by a poet. Okay, let us read it. He wore a question mark for tail. उसकी जो tail है it is like question mark, right? एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, ग्रेश कलर का उसका पूरा सीन. यू आर डिस्टर्बिंग मी. ग्रेश कलर का उसका पूरा कलर है. एंड देन ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. वो बैठती है नट्स खाने के लिए, राइट. देन He liked to tease and play. He liked to tease and play. मतलब जैसे ही उसके पास जाओ इमीडिएटली ऊपर चढ़ जाना या राउंड एंड राउंड ट्रीज पे. जैसे हम राउंड एंड राउंड होंगे वो भी राउंड एंड राउंड होना शुरू हो जाता है, राइट. एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे. अगर हम ट्री के अराउंड रन करें तो वो अलग रास्ते पर चला जाता है. Okay, so that was poem related to the squirrel. Okay, I'll give you PDF related to this which you have to write question answers, and we'll meet later. Thank you.